जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज क्लास में हम सब जो है इंडियन मैप को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम सब हरियाणा के बारे में जाने थे, पीडीएफ का रिवीजन ये चल रहा था। आज हम सब जो है दिल्ली के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद उत्तराखंड देख लेंगे। तो अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर सकते हैं, और इसका अगर बोर्ड द्वारा जो है बनाया गया वीडियो चाहिए बोर्ड पर देखना है और तो वो चीज़ जो है आपको जो है हमारे प्लेलिस्ट में जो है विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है दिल्ली, जो है दिल्ली के बारे में हम सब जानेंगे। दिल्ली जो है पुराना नाम इसका इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ जो है ये सोनीपत, पानीपत, ये पांच गांव जो है और मांगा गया था इसे दुर्योधन से, तो वो भी पांच गांव नहीं दे पाया था, जिस कारण जो है महाभारत का युद्ध हुआ। और तो दिल्ली का पुराना नाम क्या था पहले? इंद्रप्रस्थ। और इसी इंद्रप्रस्थ को बसाने का काम जो है पांडव जो है किए थे, और वहाँ पर ही जो है मतलब हुआ था क्या कि ये जो द्रौपदी थी तो ये हंस दी थी वो मतलब तालाब में गिरने के कारण युधिष्ठिर को, सॉरी युधिष्ठिर ने दुर्योधन को, तो जिस वजह से वो गुस्सा हो गया था और ज़्यादा मात्रा में। तो आप अगर देखे होंगे महाभारत तो उसमें समझ में आएगा आपको। तो यहाँ चलिए कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम क्या था। तो इंद्रप्रस्थ था, और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी ये भी NCR में आता है, साथ में ये केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली अगर देखा जाए ना तो आपको जो है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमा पे दिखेगा दिल्ली, ये इतना बड़ा दिल्ली। ये हरियाणा देखिए कि इधर जो है हरियाणा है, ये हरियाणा हो गया और इधर उत्तर प्रदेश है। तो हरियाणा के तीन ओर से जो है घिरा हुआ है दिल्ली, और एक ओर से जो है उत्तर प्रदेश, ये आपको जो है आप दिखेगा, ये देखिए। तो इधर ये हरियाणा हो गया, यहाँ ये हरियाणा है, और नीचे में जो है हरियाणा, ये वाला नीचे हरियाणा है। तो तीन ओर से जो है ये घिरा हुआ किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा, और एक ओर इधर जो है उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो दिल्ली जो है, अगर पूछा जाए दिल्ली है कहाँ, तो दिल्ली कहीं नहीं है, ये भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली के अंदर जो है बहुत सारा जो है दिल्ली है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पूर्व पश्चिम दिल्ली, ऐसे करके टोटल जो है 13 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। तो ये पूरा होलसेल में जो एरिया कहलाता है, ये पूरा एरिया जो है दिल्ली कहलाता है। तो आपको जो ये समझ में आया होगा, इसमें उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, ऐसे करके बहुत सारा जो है दिल्ली है। तो दिल्ली चूँकि इतना ज़्यादा जो है मतलब जनसंख्या वाला हो गया है, चूँकि प्रत्येक लोग को जो है शौक़ होता है कि कभी दिल्ली घूमे, वहाँ पर अपनी राजधानी को जो विजिट करे, अगर वो है उसके पास पैसा तो वहाँ पर रह भी सकता है कुछ दिनों तक। तो जिस कारण जो है दिल्ली के आसपास क्या हुआ है, ये पूरा एरिया में जनसंख्या बढ़ गया है और इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है कि अब जानते होंगे आए दिन जो है वहाँ का खबर आता है कि वहाँ जिस तरीके से ठंडा के दिन में कुहासा लग जाता है ना, तो वैसे ही वहाँ गर्मी के दिन में कुहासा, वो कुहासा और रियल कुहासा नहीं होता है, वो क्या होता है, वो धूल कण होता है, पॉल्यूशन होता है, और जिस कारण ओड इवन ऐसे करके नंबर का जो है गाड़ी वहाँ पर मतलब चलाया जाता है, एक दिन ओड चलेगा एक दिन इवन नंबर वाला गाड़ी। तो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण जो है दिल्ली को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, और बढ़ा के जो है कुछ एरिया जो है उत्तर प्रदेश का लिया गया है। अब बिहार से तो लिया नहीं जाएगा, बिहार चूँकि करीब है नहीं दिल्ली के, तो जो भी करीब है उसी से तो लिया जाएगा ना। तो कुछ एरिया हरियाणा से लिया गया है, कुछ एरिया उत्तर प्रदेश से लिया गया है, और ये दोनों से जो एरिया लेके, और वो एरिया है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का ही है, लेकिन उसको एक माना गया है कि चलो ये जो है राजधानी में ही आ जाएगा, तो उसको अलग नाम दिया गया है NCR। तो दिल्ली के आसपास जो राज्य है, तो दिल्ली के आसपास जो राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही है, तो इसके चारों ओर जितने भी क्षेत्र आता है दिल्ली के करीब, जो हरियाणा का होगा एरिया या फिर जो है उत्तर प्रदेश का, तो उसको हम NCR बोलते हैं। तो वही होता है NCR। तो NCR में जो है आने वाला बहुत सारा जगह है, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, इधर फरीदाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, आपको पढ़ाए थे, उत्तर प्रदेश में जो है नोएडा है,
बागपत है, गाजियाबाद है, तो ये सब NCR में आता है। तो दिल्ली जो है एक UT है, यूनियन टेरिटरी है, और इसमें जो है 13 जिला है। दिल्ली की राजधानी भी जो है नई दिल्ली है, और मुग़ल के वक्त जो राजधानी था वो पुरानी दिल्ली थी। दिल्ली वहीं पर जो है मीना बाज़ार, चोर बाज़ार, लाल किला, जामा मस्जिद वहीं पर था पुरानी दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है अभी नया जो है संसद भवन वगैरह जो है ये बन रहा है, राष्ट्रपति भवन। तो रायसीना की पहाड़ी है वहाँ पे दिल्ली। और तो आगे देखते हैं, तो दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ, इसकी राजधानी नई दिल्ली है, और एज ए जो है भारत की भी राजधानी जो है नई दिल्ली है। तो दिल्ली ना ही उत्तर प्रदेश में है और ना ही हरियाणा में है, तो दिल्ली है कहाँ? तो दिल्ली जो है वो एक UT है, ये ध्यान में रखना है। UT 8 टोटल है इंडिया में अभी वर्तमान समय में, जिसमें लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ भी एक UT है, और तो 3 हो गया। उसके बाद जो है दिल्ली हो गया 4, अंडमान निकोबार 5, लक्षद्वीप 6, और पांडुचेरी 7, और दमन अदीप दादरा नगर हवेली 8। तो ये 8 है। तो आगे हम सब देखते हैं, आगे लिखा गया है कि आगरा, ये जो आगरा है पहले राजधानी, जैसे भारत की राजधानी बहुत सारा जगह रही है, भारत की राजधानी पुराने वक्त में जो है जब दिल्ली सल्तनत था तो वहाँ पे उससे पहले जो है वो लाहौर में भी था। जो आप सुने होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये जो है ये गुलाम जो था गौरी का, तो ये वहाँ पर घोड़ा पर से ही गिर के मरा था, तो लाहौर में ही मरा था। तो उस वक्त राजधानी था वहीं, फिर बाद में जो है यहाँ राजधानी लाया गया दिल्ली सल्तनत से। मुग़ल काल में भी राजधानी चेंज हुआ, तो मुग़ल काल में जो है आगरा में जो है राजधानी बनाया गया था कुछ समय तक, फतेहपुर सिकरी में भी जो है बनाया गया था कुछ समय तक राजधानी भारत का। उसके बाद कोलकाता में भी, और 1911 के बाद जो है ये राजधानी चेंज हुआ और दिल्ली रहा, तो तब से लेकर आज तक दिल्ली है राजधानी। तो वही जो है इसमें लिखा गया है कि जो आगरा है ना, आगरा में 1526 में जब बाबर आया था, 1526 में पानीपत का युद्ध किया था, तो उस वक्त से लेकर और 1658 तक राजधानी रहा है आगरा, भारत की राजधानी, पूरा साम्राज्य भारत उस वक्त जो भी हिस्सा में था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एरिया, तो सारा का सारा एरिया की राजधानी कहाँ होता था? आगरा में। आगरा चूँकि यमुना नदी किनारे है, आपको उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा। तो वही लिखा गया कि आगरा जो है 1526 से 1658 तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रही है, और बाद में जाके जो है मुग़ल शासक जो था शाहजहाँ था, बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा जो अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। तो जो शाहजहाँ जो है, ये शाहजहाँ ने जो है दिल्ली को सबसे पहले जो है भारत की राजधानी बनाया था, और वहीं पर लाल किला हुआ, जामा मस्जिद हो गया, चोर बाज़ार हो गया, मीना बाज़ार हो गया, तो ये सब बाजार जो है बनवाया था। तो कौन? शाहजहाँ। साथ में ताजमहल भी बनाया, इसीलिए इसका बेटा जो है औरंगजेब इसको जो कैद कर लिया था, तो हिस्ट्री में पढ़ना है। अंततः ये हुआ था दिल्ली के साथ कि 1911 में जो है 1911 में 11 से 12 के बीच क्या हुआ था कि यहाँ पर आया था जब ब्रिटेन वाला में, वहाँ पर ब्रिटेन चूँकि ब्रिटिश शासन था यहाँ पर भारत में, और वहाँ पे कोई राजा बनता था इंग्लैंड में, तो वहाँ से आता घूमने, तो उसी के स्वागत में आया था एक राजा जिसका नाम था वहाँ पर जॉर्ज पंचम। और वो जब आया था तो उस वक्त से जो है राजधानी जो है चेंज करके जो है कर दिया गया दिल्ली, कोलकाता पहले राजधानी था, तो कोलकाता से राजधानी जो है दिल्ली किसके वक्त किया गया? जॉर्ज पंचम। आगे जो है अगर यहाँ पर देखा जाए दिल्ली में क्या क्या चीज़ है वहाँ पे, तो दिल्ली के अंदर जो है कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब मीनार जो है ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जब बनवाना स्टार्ट ही किया था तो वो जो है उसका मृत्यु हो गया था, फिर बाद में जाके जो है उसको जो है अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, तो ये सब जो है मतलब उसके दरवाजे पर एक अलाई मीनार बना दिया था। तो हिस्ट्री में जानना है, ऐसे दिल्ली में कुतुब मीनार है और इसकी हाइट जो है 72 मीटर है, तो ये दिल्ली आप देख सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो दिल्ली में फेमस किस लिए है पर्यटक में, तो यहाँ पे रेड फोर्ट है, लाल किला है, कुतुब मीनार हुआ, और लोधी गार्डन हो गया, गुरुद्वार बंगला साहिब हो गया, लोटस टेंपल है, आप देखे होंगे लोटस की तरह है ये टेंपल, लोटस टेंपल, और इंडिया गेट है।
तो गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाएगा तो मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है। जामा मस्जिद हो गया, उसके बाद यहीं पर जो है हुमायूं का मकबरा हो गया, तो हुमायूं मकबरा है, और पुराना किला भी है, ओल्ड किला, ओल्ड फोर्ट। साथ में यहाँ पर जो है अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, और साथ आगे जो है इसमें जो है राजपथ एंड जो है राष्ट्रीय भवन है, गांधी स्मृति एंड जो है महात्मा गांधी जो है मेमोरियल पार्क है यहाँ पर, और अंतिम बार जो है उनको गोली नाथुराम गोड्स जो है वहीं पे मारा था, और इंदिरा गांधी जो है मेमोरियल जो है म्यूजियम है, और साथ में जो है द नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, और लक्ष्मी नारायण टेम्पल यहीं है। तो ये सब दिल्ली है। दिल्ली अगर देखा जाए तो यमुना नदी के किनारे है दिल्ली। तो ये आप देख सकते हैं, ये लाल किला है, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, और ये कुतुब मीनार। उसके बाद वही है एनसीआर क्या आता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, तो एनसीआर जो है इसका फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन होता है, और हिंदी में बात किया जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और ये भारत का एक महानगर ये क्षेत्र है, जहाँ जो है दिल्ली और इसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इसमें से कई जिला को जो है शामिल किया गया है एनसीआर में। साथ में जो है नोएडा, जो है नोएडा तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपको बताए थे वहाँ पर कि नोएडा ये एक यहाँ पर जिला था ओखला, और ओखला जिला जो है दिल्ली के करीब था। तो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये दिल्ली उत्तर प्रदेश का नक्शा होता तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये रहा दिल्ली में, आपको जो है ये जिला नज़र आ रहा होगा, ये जिला, और गौतम बुद्ध नगर ये वाला जिला है, और इसी को जो है नोएडा बोलते हैं, नोएडा। अब नोएडा क्यों बोलते हैं तो वो समझिए, तो नोएडा इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर ये जिला पहले था, इसका नाम था, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, इसका नाम था ओखला। क्या नाम था? ओखला नाम था, ओखला नाम था इसका, ओखला जिला का नाम क्या ओखला था, और ये उत्तर प्रदेश का ही जिला था ओखला। इसको क्या किया गया, देखा गया कि दिल्ली में जो है क्राउड ज़्यादा है, जिस वजह से जो है यहाँ पे इसका नाम चेंज करके, ओखला का नाम चेंज करके न्यू ओखला किया गया, और कहा गया कि चलिए भाई जी दिल्ली जो है ना, दिल्ली यहीं से स्टार्ट होता है, ओखला से नाम चेंज कर दिया गया न्यू ओखला, और कहा कि यहीं मतलब ये भी दिल्ली में आता है। तो लोग जो है मतलब समझ, लोग को लगा कि दिल्ली थोड़े थोड़े है, ये तो ओखला हुआ ना, ये तो उत्तर प्रदेश है। उग्रवाद भी लोग जो है वहाँ पर रुका नहीं, मतलब ओखला में सब जो है भाग के चला गया दिल्ली, फिर क्राउड जो है बढ़ गया, फिर इसको क्या किया गया, न्यू ओखला तो हो गया इसका नाम, न्यू लगा दिया गया, न्यू ओखला के बाद जो है क्या किया गया इसमें कि इसको विकसित किया गया, इसमें इंडस्ट्री वगैरह जो है लगाया गया। तो इंडस्ट्री वगैरह लगाने से जो है लोग जो है वहाँ पे रुकना स्टार्ट किए धीरे धीरे, और जो भी इंडस्ट्री वहाँ पर लगा था, बहुत सारा इंडस्ट्री जो है लगा गया, और साथ में इंडस्ट्री लगा के जो है उसको क्या किया गया, विकसित किया गया, डेवलपमेंट किया गया। ये नहीं कि इंडस्ट्री लग गया और उसमें जो वर्कर वगैरह है ही नहीं, काम चल ही नहीं रहा, फैक्ट्री बंद है, तो वैसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो इंडस्ट्री यहाँ पर खोला गया, तो न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओखला का नाम क्या किया गया, न्यू लगा दिया गया, ओखला इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकरण जो है कर दिया गया, साथ में जो है डेवलपमेंट किया गया, और एक अथॉरिटी को सौंप दिया गया कि जो है तुम ही जो है इसको विकसित करना, जो भी होगा देख रेख तुम ही करना। तो इसी को शॉर्ट में जो है न्यू का एन लिया गया, ओखला का ओ, इंडस्ट्रियल का आई, डेवलपमेंट का जो है डी, और अथॉरिटी का ए, और इससे जो है हमारा बन गया ओखला, सॉरी नोएडा, ये बन गया।
और इसको संक्षिप्त में जो है नियोजित शहर कहा जाता है। साथ में जो है ये भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जो है आपको बताए थे जिला में स्थित था, और ये दिल्ली का एक जो उपग्रह शहर उपग्रह सेटेलाइट जो एरिया होता है ना सेटेलाइट शहर, मतलब हुआ कि एक बड़े शहर दो बड़े शहर के बीच अगर छोटा शहर होगा तो उसको सेटेलाइट शहर बोलेंगे। तो एक उपग्रह शहर है और भारत के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये आता है। साथ में यहाँ पर इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है ना दुबई दुबई के लगभग जो है विकसित ये हो चुका है। तो लोग जो है नोएडा जो है यहाँ पर एक्सप्रेसवे वगैरह भी बनाया गया है, पेरिफेरल जो है भी बना दिया गया है। यानी पेरिफेरल कहने का मतलब दिल्ली में जाम लग जाता था तो जाम ना लगे जिस कारण क्या किया गया उसके चारों ओर से जो सड़क बना दिया गया, बीच में जो पास लगा दिया गया। जैसे ही अगर ये दिल्ली है तो इसके चारों ओर जो इस तरीके से रोड बनाया गया चारों ओर कि इस ओर से जो है लोग जो घूम के आएगा इस तरीके से, पेरिफेरल इसी को कहा जाएगा। तो इसमें दिल्ली के अंदर जाना ही नहीं होगा, जिसको अगर उत्तर प्रदेश से इधर जाना होगा तो यहाँ से आके यहाँ चला आएगा, तो इसी को पेरिफेरल कहा जाता है कॉरिडोर। तो ये दिल्ली रहा और आगे नोएडा आपको बता ही दिए, और उसके बाद जो है दिल्ली में देख लेते हैं कि यहाँ पर 11 जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है और 11 इसमें जो है ज़िला है, जिसमें से देख सकते हैं सेंट्रल दिल्ली हो गया, सेंट्रल हो गया, ईस्ट दिल्ली हो गया, और शाहदरा हो गया, न्यू दिल्ली जो राजधानी है भारत और दिल्ली की भी राजधानी है, नॉर्थ दिल्ली हो गया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो गया, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, साउथ वेस्ट दिल्ली हो गया, उसके बाद साउथ ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली। तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट जो है दिल्ली का है, ये दिल्ली का देख सकते हैं आप, ये मैप है ये वाला, और इधर जो उत्तर प्रदेश हुआ और इधर हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद न्यू दिल्ली की बात किया जाए इसमें, तो न्यू दिल्ली जो है 1911 के दरबार जब दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार मतलब हुआ कि तीन बार दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें से 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था, अब ये दिल्ली दरबार आपको हिस्ट्री में समझ में आएगा वहाँ समझिएगा। तो 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान जो है 15 दिसंबर को इस शहर की जो है नींव पड़ी, मतलब नई दिल्ली का नींव पड़ी। उस वक्त जो है भारत के जो है सम्राट उस वक्त था जॉर्ज पंचम ने रखी थी, और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार जो है वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर और सर जो है एडविन लिट्रियंस को दिया गया, और साथ में जो हर्बर्ट बेकर, ये दोनों जो है तैयार किया गया था नक्शा। जैसे हुआ ना कि एक अगर नया घर बनाना है तो वहाँ पर उसका जो एक होता है कि इस तरीके से कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे जो है, और तो बहुत सारा रूम देखा जाता है कि यहाँ पर ये, तो इसका जो है आर्किटेक्चर जो है कौन था, एडविन लिट्रियंस और जो है सर और हर्बर्ट बेकर। तो ये बेकर था, इसकी रूपरेखा तैयार की ब्रिटिश भारत के उस वक्त जो गवर्नर था वो इरविन था, और 13 फरवरी 1931 को जो है नई दिल्ली का फिर उद्घाटन हुआ था। यानी दिल्ली राजधानी तो बना था 1911 ही में ले गया था, लेकिन नई दिल्ली जो फिर से राजधानी तैयार किया गया था 1931 में, और उसके बाद से जो है नई दिल्ली दिल्ली और साथ में भारत की राजधानी रही है। और यहाँ जो है राष्ट्रपति भवन है, और अरावली का जो एरिया आ जाता है इसमें रायसीना, तो रायसीना की पहाड़ी पर जो है दिल्ली स्थित है। रायसीमा का पठार जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, यहाँ पर रायसीना का पहाड़ है। तो ये दिल्ली रहा। उसके बाद जो है उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड को हम सब जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और अगर इसका PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर सकते हैं। इसका जो है पूरा अगर बोर्ड वाला वीडियो चाहिए तो आपको जो है प्लेलिस्ट विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो और इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है सब कुछ हम जो है मतलब वहाँ पे अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।